आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन करेंगे, जिसकी तैयारी जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। कोलकाता और हजारीबाग से आए कलाकार थीम और कलाकृति बना रहे हैं। कारीगर ने बताया कि झारखंड सरकार के कला संस्कृति पर्यटक विभाग के द्वारा सरकार के सभी विभाग का स्टॉल लगाया जाएगा। दो दिवसीय विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, उसको लेकर तैयारी की जा रही है। बिरसा मुंडा जो पुराना जेल है, उसमें दिखाना चाहेंगे किस तरह से आदिवासी कल्चर, कैसे गांवों में आदिवासी लोग रहते थे, उसको हेमंत सरकार 2 दिवसीय जो महोत्सव का आयोजन किया गया है उसमें सभी प्रकार के स्टॉल लगाए जाएंगे, चाहे वो फूड स्टॉल हो, चाहे वो जो कला संस्कृति कैसे आदिवासी जीवन वो जीवन उपार्जन करते थे, कैसे भरण पोषण करते थे, और जो स्थिति है कि लगातार जो किस तरह से आदिवासी कल्चर को दिखाया गया है कि गांव का थीम बनाया गया है कि किस तरह आप देख सकते हैं जो कोलकाता से कारीगर आए हैं और उस थीम को अपने कला के माध्यम से और पेंटिंग के माध्यम से पूरी थीम को एक बोर्ड के माध्यम से आदिवासी महोत्सव कैसे धूम तैयारी को लेकर तैयारी की जा रही है, क्योंकि 9 और 10 अगस्त को इसी मैदान में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड के आएंगे और उस कला संस्कृति जो विश्व आदिवासी दिवस है उसका बजाबते उद्घाटन करेंगे और जो कल्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए उस पर ख्याल रखा जाए। जो स्थिति है कि लगातार जो जिस तरह से तैयारी जोरों पर है और जिस तरह से क्या थीम लेकर आप लोग बनवा रहे हैं और कहां कहां से कारीगर बुलाए हैं आप बनाने के लिए? देखिए, यहां पे हम लोग झारखंड के गांव के थीम के हिसाब से हम लोग स्टॉल का निर्माण कर रहे हैं और यहां पे कारीगर बहुत सारी जगह से आए हुए हैं, हजारीबाग से, बंगाल से, कल बहुत जगह से आए हुए हैं लोग जी। इसमें क्या दिखाया जाएगा स्टॉल जो बन रहा है उसमें? स्टॉल में विभाग की बहुत सारे विभाग के स्टॉल बन रही है। इसमें झारखंड से कला संस्कृति से जुड़े हुए बहुत सारे अलग अलग स्टॉल बन रहे हैं यहाँ पे जी। कब तक तैयार हो जाएगा? कल ये आज कंप्लीट हो जाएगा, आज ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सभी साज सजावट के साथ में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सामान वगैरह के साथ में कल सुबह में उद्घाटन है यहाँ की जी। इनका साफ कहना है कि जो झारखंड का विभाग है, कला संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग, उसकी जो स्टॉल लगाया जाएगा बजाबते इस स्टॉल में जो झारखंड का कल्चर को दर्शाया जाएगा और जो खान पान है उसको भी एक स्टॉल में दिखाया जाएगा और साथ में कला संस्कृति कैसे झारखंड में जीवन यापन आदिवासी करते थे तो उसको भी इस कला संस्कृति मंच के पर दर्शाया जाएगा और साथ ही एक भव्य कार्यक्रम 9 और 10 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसका बजाबते कल उद्घाटन करेंगे। अपने सहयोगी प्रदीप सिन्हा के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची।